जय हिंद। देखिए सर, जिन स्टूडेंट का आज बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम था, उसमें सर जितने भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस सर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप अभी तक चेक नहीं किए हैं तो सर इस वीडियो के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। हो सकता है ये वीडियो आप तक थोड़ा लेट से पहुँचा होगा सर, बट 100% एक्यूरेसी के साथ सर आप बिलीव करके इससे आप मिला सकते हैं अपना आंसर की, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि एक गाँव की जनसंख्या सर कितना है, 16,500 है। यदि यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद कितने सर, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको पता होगा कि ये दे रखा है कितना सर, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है सर, 16,500 है, ठीक है। और कह रहा है सर 10% की दर से क्या होती है सर, वृद्धि होती है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10, और सर 1 की वृद्धि होगी तो 11/10। अब 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 2 बार इसको क्या करना है सर, 11/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11/10 से क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इस दोनों को सर आप सॉल्व कीजिएगा तो 11/11 जो कितना होता है सर, 121 को जब 165 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मैथ का। कह रहा है सर कि ये 35 + 27 का होल स्क्वायर प्लस 35 - 27 का होल स्क्वायर बटे 35 का स्क्वायर प्लस 27 का। अगर सर आपको एक फार्मूला आप पढ़े होंगे तो पता होगा, ए इक्वल टू मान लेते हैं सर हम क्या यहाँ पे 35, एंड बी इक्वल टू मान लेते हैं सर हम 27, ठीक है। बी इक्वल टू 27, तो आपको पता होगा सर कि एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला होता है सर यहाँ पे लिख रहे हैं, फार्मूला होता है 2 × सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 × a² + b² ठीक है सर। और डिवाइडेड में क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सर ये कट जाना है, और आंसर सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 आता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे सर माइनस होता तो इस फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है सर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये होता है सर 4ab, क्या होता है सर 4ab, ठीक है। और नीचे में ए भी होता तो इस टाइप में क्या होता है सर, 4 आंसर होता है इन जनरल, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर एक द्विघात समीकरण है जिसका फॉर्म है सर 2x² + √6x - 6=0 के दो मूल क्या होंगे। तो सर एक तो तरीका है सर कि आप क्या कीजिए सर, x का वैल्यू इसमें सर ऑप्शन से उठाइए और इसमें रखिए। दूसरा फॉर्मूला सर आपको पता होगा कि x इक्वल टू होता है सर विवेक, x इक्वल टू होता है मूल इक्वल टू -b + √d अपॉन में क्या होगा सर 2a, ठीक है। डी इक्वल टू भी सर फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू अगर पता हो विवेचक होता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे सर, डी इक्वल टू होता है सर b² - 4ac। इसमें सर वैल्यू रख के डी निकालिए, फिर डी का वैल्यू सर यहाँ पुट कीजिए, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहाँ पे ए इक्वल टू 2 है सर, बी इक्वल टू √6 एंड सी इक्वल टू -6 है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बट जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना सर, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी आंसर सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये और सर इजी क्वेश्चन है, अगर बात करें सर 6वीं BPSC के कंपेरिजन में, तो इसका मैथ सर उससे भी क्या है सर, इजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर 2x + 3y = 10 दे रखा है, और 3x - y = 4 दे रखा है। तो एक तो तरीका है सर क्या कि इसको सर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, 9x - 3y = क्या हो जाएगा सर, 12। फिर क्या कीजिए सर, फर्स्ट वाले इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे ना सर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स सॉल्व करने के बाद x = 2 और y = कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट 1 सेकेंड सर आप वेट कीजिएगा जी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, जस्ट 1 सेकेंड सर जी, ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें डिजिट है सर 5, 11, 17 का 101वां पद ज्ञात करना है, ठीक है सर, 101वां पद। तो आपको पता होगा कि सर अगर टी एन बराबर होता है, जस्ट अ सेकंड सर, टी एन बराबर होता है सर a + n - 1 × d, ठीक है, a + n - 1 × d सर फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो 101वां पद कह रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सर क्या हो जाएगा, a +
ए प्लस सर सॉडी, ए प्लस क्या हो जाएगा सॉडी सर, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू सर इसका डिफरेंस पुट करना है आपको, 11 में से 5 जाएगा कितना सर, 11 में से 5 जाएगा सर 6, ठीक है, तो डी इक्वल टू 6 पुट करना है और ए इक्वल टू 5 सर इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर में भी ए आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, ठीक है, एक विद्यालय में सर 20 शिक्षक हैं और जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने शिक्षक सर भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है सर। अब देखिए सर टोटल 20 टीचर हैं सर, टोटल कितने टीचर हैं सर, और 20 है जिसमें 4 क्या है सर कॉमन है जो कि दोनों में, तो टोटल 24 हो जाएंगे, जिसमें सर 12 अगर गणित पढ़ाते हैं तो 12 कितने हो जाएंगे सर आपके भौतिकी भी पढ़ाते होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 8 अवलोकनों का औसत कितना है सर, 16 है, ठीक है, 8 अवलोकनों का औसत कितना है, 16 है और 4 अवलोकनों का औसत सर 64 है, तो 8 + 4 यानी कि टोटल 12 अवलोकनों का औसत कितना होगा, तो ये सिंपल है सर, 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको 16 से, ठीक है, उसके बाद सर 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे सर 64 से, ठीक है, इसको सर आप माइनस कर लेंगे, ठीक है, और उससे क्या 12 से क्या करना है सर उसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि अनुक्रम 2, 3, 6, 18 व्हाट 1944 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है सर, तो इसमें सर ये बेसिकली रीजनिंग के अकॉर्डिंग या सीरीज के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, तो इसमें क्या किया गया है सर, 2 और 3 को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, फिर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, फिर 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 108 होगा, ठीक है, और 108 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो ऑप्शन नंबर सर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर सी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कैलेंडर से पूछ लिया सर कि 4:30 यानी कि 4:30 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा, तो आपको पता होगा सर थीटा इक्वल टू होता है 30h यानी कि 30h माइनस 11/2 मल्टीप्लाई में सर मिनट, तो इसमें सर जब आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो आपको आंसर सर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर ये फैक्टोरियल से 65वीं BPSC में सर यहाँ फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ भी सर पूछ लिया गया है कि 9C(n) बराबर क्या है सर NC(8), तो n का मान क्या होगा, तो इसको सर अगर आपको फॉर्मूला होगा कि NC फार्मूला अगर पता होगा तो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा, तो NCR का फॉर्मूला होता है सर क्या, फैक्टोरियल n बट फैक्टोरियल n माइनस r इंटू सर फैक्टोरियल क्या होगा r, तो इसमें क्या करना है सर आपको इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो n इक्वल टू वैल्यू सर 17 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सर हम लोग, मे बी हो गया 10 क्वेश्चन या बाकी भी है, जस्ट अ सेकेंड सर, आप वेट कर लीजिएगा जी सर। तो मैथ के टोटल सर इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आई होप आप मिला लिए होंगे, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में सर साइंस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।